वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे ये देखिए एक अलग टाइप की रिपोर्टिंग शेयर करने वाली हूँ, अलग प्लांट की, बहुत ही अलग। तो ये देखिए, ये है पेनीवॉर्ट का प्लांट। देखिए इसकी लीव्स किस तरह से होती हैं, कॉइन, इसलिए इसको डॉलर प्लांट भी कहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, बहुत ही बुशी होता है। बट देखिए, मैं इसको जब नर्सरी से लाई थी ये छोटा सा था, अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लाए हुए, बट ये डिवाइड बहुत जल्दी होता रहता है, तो इसलिए ये काफ़ी जल्दी बड़ा हो गया। तो ये अलग इस तरह से है कि इस प्लांट को बिल्कुल भी ड्राई सॉइल नहीं पसंद होती। ड्राई सॉइल होती है तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने इस देखिए ये पॉट है इसका, ये है, ये देखिए इसको निकाल के यहाँ रख देते हैं। इतना सा ही पॉट है, इसमें ग्रो हो रहा है। तो इसमें मैंने इसको इस पॉट में पानी भर के रखा हुआ था ताकि इसमें मॉइस्चर रहे, क्योंकि मैंने इसको जब पहले ऐसे ही रखा था तब थोड़ी ड्राई हो गई थी सॉइल और ये पूरा मुरझा गया था। उसके बाद से मैंने इसको ऐसे रखना स्टार्ट किया है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और दूसरी वजह ये है कि जब मैं इसमें अच्छे से पानी डालती भी थी तो इसमें नीचे होल्स बहुत ज़्यादा हैं जिससे निकल जाता था, तो ये सही नहीं है इस प्लांट के लिए। तो मैं आज आपको ये प्लांट रिपोर्ट करके बता रही हूँ। और इसमें ये देखिए इस पॉट में बिल्कुल भी होल नहीं है, तो मैं होल नहीं करने वाली इसमें, क्योंकि मैं इस बड़े पॉट को किसी और में नहीं रखने वाली, किसी इससे भी बड़े में। मैं इसमें एक्स्ट्रा पानी भर दिया करूँगी इसी में ही, इसीलिए मैं इसको बिल्कुल एक्स्ट्रा पॉट में नहीं रख ली। तो देखिए, मैंने थोड़े दिन पहले ये प्लांट्स भी लगाए थे जो ग्रो हो गए हैं, ये मैं इसको किसी और में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो चलिए इसको लगाते हैं और ये देख लीजिए आप किस तरह से ग्रो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा देखिए। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ और सबसे पहले इसमें सॉइल भर लेते हैं। इसको आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालना है क्योंकि इसको थोड़ा पानी चाहिए होता है, एक्स्ट्रा वाटर। तो उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालें आप, कम फर्टिलाइज़र वाला प्लांट होता है, लो फर्टिलाइजर। तो चलिए इसमें मैं सॉइल डाल देती हूँ। मैंने इसको निकाल लिया और इसको निकालना थोड़ा मुश्किल था, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इसकी रूट्स तो बिल्कुल भी डीप नहीं थी, बस ऊपर ऊपर ही थी। देखिए बिल्कुल भी डीप रूट्स नहीं थी इसकी, तो उसको निकालना मुश्किल हो गया था। देखिए बाकी सॉइल इसमें ही है। तो अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है, मैंने इसमें बस इसको निकाला है। और अभी आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्लांट होता है ये डिवाइड। देख लीजिए इसकी ये जो राइजोन्स, ये जो निकल रहे हैं यहाँ से कट कर लीजिए आप, ये नया प्लांट बन जाएगा। तो उसको लगा देते हैं। देखिए ये जिस तरह से हो रहे हैं यही होते हैं, तो इनको आप इस तरह से थोड़ा फैलाकर लगा दीजिए, ये आगे की तरफ ग्रो हो जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से निकाल कर लगा दूंगी, क्योंकि ये फिर आगे थोड़े ग्रो हो जाएं, क्योंकि ये ऐसे गोल बना हुआ है, छोटे पॉट में लगे हुए थे इसीलिए। मैंने इसको सेट कर दिया है और ये इसी तरह से रहता है, इसकी पत्ती इस तरह से हो जाती है, क्योंकि जब ये सेट हो जाएगा अपने आप ग्रो होने लगेगा जैसा ये हो रहा था। तो ये इसकी कोई चिंता नहीं करनी आपको, इसके लीव्स अपने आप स्टैंड आउट हो जाएंगी बाद में। तो अभी मैं इसमें सॉइल डाल देती हूँ और पूरा नहीं भरना है पॉट सॉइल से, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, तो पूरा नहीं भरना है। इसमें पानी भी डालने की जगह रखनी है हमें कि पानी डाल सकें हम। तो मेरे ये लगा रही थी जब मैं, तो ये देखिए छोटी सी स्टेम निकल गई, तो इसको हम लगा देंगे, आराम से ग्रो हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको हम लगा देंगे तो हमारे नए प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसको सॉइल से भर देती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ। मैं तो लगा दिया है और अब इसको बहुत अच्छे से पानी दे देंगे, देखिए। और इसको और भी बहुत सारे तरीक़ों से लगाते हैं, जैसे सैंड और स्टोन्स में लगा सकते हो आप। और तो मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी इस प्लांट पे, इसकी केयर पे।
तो फ्रेंड्स इस पे इस तरह से एक्स्ट्रा पानी हमेशा रहना चाहिए। अभी मैं एक मग और डाल दूंगी जिसका पानी नहीं ड्राई होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।